हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। देखिए, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर टू, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्लास एट का। इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, इक्वेशंस क्या होती हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे वेलकम टू लर्निंग ट्यूटोरियल। तो इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कॉन्स्टेंट क्या होते हैं। कॉन्स्टेंट्स, व्हाट इज कॉन्स्टेंट्स? सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं, कॉन्स्टेंट क्या होते हैं। कॉन्स्टेंट जैसे हंड्रेड, हंड्रेड या कुछ भी, वन से लेके हंड्रेड तक की चीज़ें, मतलब पूरे नंबर जो हैं वो कॉन्स्टेंट होते हैं। जो हंड्रेड है वो कभी बदल नहीं सकते उसको, जब तक उसमें माइनस या प्लस नहीं करें। जब तक हंड्रेड में से माइनस वन नहीं करेंगे, जब तक ये 99 बनेगा ही नहीं। ये कॉन्स्टेंट है, अपनी जगह से हिलेगा नहीं जब तक इसमें से कुछ माइनस नहीं कर देंगे, प्लस नहीं कर देंगे। ठीक है, इसे हम कॉन्स्टेंट बोलते हैं। ठीक है, एलिजेब्रिक एक्सप्रेशंस ये हम बाद में देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल जैसे कि एक्स, वाई, जितने भी नंबर्स हैं उनको वेरिएबल कहेंगे। एक्स वाई आपने देखा ही होगा, सिंपल इक्वेशन वाला चैप्टर है, क्लास सेवन्थ में आपने पढ़ा ही होगा वो। ठीक है, वेरिएबल पता है आपको, एक्स वाई जेड, कॉन्स्टेंट और वेरिएबल। ठीक है, अब इनकी टर्म्स देख लेते हैं। जो हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का चैप्टर है, इसमें जो कॉन्स्टेंट्स क्या हैं, वेरिएबल क्या हैं, हमने आपको बता दिया। कॉन्स्टेंट जैसे कि हंड्रेड हो गया, वन हो गया, वन में से अगर कुछ माइनस करेंगे नहीं या प्लस नहीं करेंगे जब तक वो आगे पीछे नहीं होगा, हिलेगा नहीं वो जब तक। ठीक है, और इसकी कुछ टर्म्स देख लेते हैं जो इन सबकी होती हैं। ठीक है, टर्म्स इनकी होती हैं ऐसे कि इनकी जो बहुत सारी टर्म्स होती हैं, जैसे कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट जैसे ये हो गया, वेरिएबल जैसे कि 2x, तो ये वेरिएबल भी है कॉन्स्टेंट भी है। इसमें मैंने क्या कर दिया, मैंने कॉन्स्टेंट को मल्टीप्लाई कर दिया वेरिएबल से। वेरिएबल है क्या, वेरी का मतलब होता है मतलब किसी भी चीज में, मतलब जो अलग अलग हो जाए। मतलब एक्स किस लिए रख रहे हैं, कि इसकी वैल्यू निकालने के लिए। आगे हम जानेंगे कैसे इसकी वैल्यू निकालेंगे। फिर 2x हो गया, अब इसमें जो एक्स है, एक्स को एक्स में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक्स को एक्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक्स से, वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट को वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कॉन्स्टेंट 2 को मल्टीप्लाई मैंने इधर x से कर दिया, तो क्या हो गया, 2x हो गया। ठीक है, ये इसकी टर्म्स हो गई। अगर आपसे पूछा जाए 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 5, तो ये क्या, इसमें कितनी टर्म्स है, इसमें 3 टर्म्स है। ठीक है, और अब इसको निकालने का भी सीखेंगे। अभी पहले हम जान लेते हैं कि इक्वेशन होती क्या है, और पहले जान लेते हैं एलिजेब्रिक एक्सप्रेशन होती क्या है। एलिजेब्रिक एक्सप्रेशन होती क्या है देख लेते हैं। देखिए, एलिजेब्रिक एक्सप्रेशन 2x, यही मान लीजिए एलिजेब्रिक एक्सप्रेशन 2x प्लस 2, ये होगी हमारी एलिजेब्रिक एक्सप्रेशन। बहुत सारी एक्सप्रेशन है, हमारे क्वेश्चन आंसर्स में भी है, 3y प्लस 7, बहुत सारी हैं। ठीक है, इन्हें क्या बोलेंगे, एलिजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। और इक्वेशन कैसे बनती है, हम आपको बताते हैं इक्वेशन कैसे बनती है। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन बनना बहुत ही ईजी है। इक्वेशंस कैसे बनती हैं, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू का साइन लग जाएगा, फिर यहाँ पे कोई भी लिख दो आप, यहाँ पे आप 3 लिख दो, तो क्या बन गई हमारी, ये क्या बन गई, इक्वेशन बन गई है हमारी। इसको ही बनाते हैं इक्वेशन, 3 है ना, 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 2।
और अब हम जान लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है। हम लिख लेते हैं पहले, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, हम जान लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, वन वेरिएबल अब देखिए, लीनियर माने एक, जैसे कि एक्स यहाँ पे 2x दे रखा है, तो ये जो एक्स की वैल्यू है यहाँ पे एक वैल्यू है, तो ये जो चैप्टर है चैप्टर टू इसमें सिर्फ एक ही होगा, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर नहीं लगा होगा, 2x² नहीं लिखा होगा, मतलब एक्स कितनी बार है, दो बार है। इधर जल्दी में लिखने के लिए स्क्वायर लगाते हैं हम लोग। ठीक है, लीनियर मतलब ये, और इक्वेशन का मतलब पता ही आपको क्या होता है, नहीं पता तो मैं फिर से बता दूं, 2x + 1 = 2, ये हमारी इक्वेशन है ना, इक्वालिटी का साइन है। कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है। कमेंट करके बताइए कि कौन सा इसमें से वेरिएबल है और कांस्टेंट है। अब हम आगे चलते हैं, देखिए ये हो गया इन वन वेरिएबल क्या है, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, यहाँ पे दो दो वेरिएबल नहीं दे रखे हैं, यहाँ पे 2x इधर भी नहीं दे रखा, यहाँ पे एक ही वेरिएबल में आपको करना है, ये x है तो ये आपको एक ही बार दिखेगा, दो दो बार नहीं दिखेगा इन वन वेरिएबल इस चैप्टर में। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा ये। अब हम इनके सॉल्विंग इक्वेशन पे चलते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन पे चलते हैं हम। ठीक है, अब इक्वेशंस हम सॉल्व करना सीखते हैं कि इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं, उनको चेक कैसे करते हैं, ये सब सीखते हैं। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करने के दो मेथड्स होते हैं। पहला तो ये वाला होता है, मैं नाम नहीं पता इसका, मतलब बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता ये वाला, जैसे कि दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे कि 2x - 3 + 3 = 7 + 3। स्टूडेंट्स अब हम करते हैं सॉल्व इक्वेशंस को। ठीक है, तो दो तरीके होते हैं इक्वेशन को सॉल्व करने का, पहला तरीका तो हमारा ट्रांसपोजिंग मेथड होता है, और दूसरा जो दोनों तरफ करते हैं। ठीक है, दोनों तरफ माइनस प्लस करते हैं, तो ठीक है, थोड़ी सी लाइट इधर कर देते हैं कैमरे के सामने। दो तरीके होते हैं इसको करने का, 2x - 3 = 7, तो 2x में से माइनस कर देंगे 3, और जो 3 है उसको इधर भी प्लस कर देंगे, और 7 + 3, तो 3 जो ये लास्ट में लगाओ, कुछ भी लगाओ, जैसे कि ये लगाओ 3y + 2, तो ये जो 2 है इसी में से, ये प्लस में है ना, तो इधर माइनस का लगा देंगे इधर, और इज इक्वल टू के बाद जो जैसे कि 1 आ गया, 1 है ये, अब 1 के इधर भी ये माइनस का 2 ही रहेगा, तो ठीक है ऐसे रहेगा। इसको ऐसे करना है, जो लास्ट में डिजिट लगी है ना, ये डिजिट को ये प्लस है तो माइनस करके दोनों तरफ लिख देना है इक्वल के, उधर और इधर भी। ठीक है, और तो यहाँ पे 2x आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 3 कट गया, तो 7 प्लस करेंगे 3 तो हमारा 10 आ जाएगा, फिर ये 2x यहाँ पे = 10। अब ये 2x है तो 2x को इधर ले जाएंगे, तो ये ट्रांसपोजिंग मेथड हो जाएगा, अब तो आधा ट्रांसपोजिंग करेंगे आधा ऐसा करेंगे तो ख़राब हो जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे, नीचे जो 2 है एक 2 यहाँ पे लगा लेंगे और एक 2 यहाँ पे लगा लेंगे, डिवाइड में दोनों में कर लेंगे। अब जो करेंगे 2 × 2, और ये 2 2 से कट गया, देखो 2 1 से कट गया, 2 1 से कट गया, 2 × 2 और 2 × 5 = 10 कट गया, तो हमारा आंसर आ गया 5। ठीक है, और यही इसको चेक करने का हम बाद में देखेंगे, अब ट्रांसपोजिंग मेथड देखते हैं इन दोनों में क्या अंतर है। तो देखो 2x - 3 = 7, अब यहाँ पे क्या करना है, जो 2x है इसको इधर रहने देंगे, जो ये माइनस का 3 है ना, इज इक्वल टू के बाद इसको यहाँ पे ले जाएंगे,
आपको पता ही है, जब हम किसी को ट्रांसपोर्ट करते हैं इधर से, इस कांस्टेंट को जब हम इधर ले जाएंगे तभी हो जाएगा प्लस का। जो चीज़ यहाँ पे माइनस की वहाँ पे प्लस हो जाएगी, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में वहाँ पे डिवाइड में हो जाएगी, जो प्लस में माइनस, माइनस में प्लस। तो इधर प्लस में हो जाएगा 3, फिर उसके बाद होने के बाद 3 7 में प्लस करेंगे 3, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, और 2x का 2x आ गया। अब ध्यान से देखिए, दोनों में सेम है, लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है पहले वाले में, और दूसरे वाले में बहुत ज़्यादा कम टाइम लग रहा है। तो आप कौन सा प्रिफर करेंगे? हम तो ये ट्रांसपोजिंग मेथड प्रिफर करेंगे। आप देख सकते हैं आपको कौन सा करना है। 2x = 10, तो जो 10 है रख लेंगे। अब जो ये 2 है ना, इसको उठा के इधर ले आते हैं, इसको उठा के किधर लिया है, इधर लिया है, ये मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे लिया है इसको, ठीक है, 2 मैंने दोबारा लगा दी, सॉरी, यहाँ पे x हो गया अकेला अकेला बेचारा x। ये जो 2 है इधर ले आएंगे, 2 हट गया उधर से, ठीक है, 10/2, 2 × 2, और कितनी बार में आएगा 2 के टेबल में, 10, 5 बार में आएगा, तो एक्स की वैल्यू आ गया, गई 5 आ गई। अब चाहे LHS करो, RHS करो, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड। जो LHS होता है वो हमेशा राइट हैंड साइड के इक्वल होता है, ठीक है, RHS के बराबर होता है हमेशा ये। और ठीक है, अब करते हैं हम, यहाँ पे लिख देते हैं LHS, शॉर्ट में लिख रहे हैं, आपको फुल में लिखना होगा, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। चेक करने के लिए जो ये हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड में 2x - 3 लिखा है, इसको यहाँ पे हम ले लेंगे 2x - 3 ले लेंगे। जब ले लेंगे 2x - 3, तो x की वैल्यू हमारी क्या निकली, 5 निकली। अब 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, और जो माइनस का 3 है इसको इधर ले आएंगे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 को ब्रैकेट में लगा, मतलब जो 5 है उसको ब्रैकेट में लगा दो, मतलब इसका मतलब भी मल्टीप्लाई होता है ना, इसका मतलब भी, और इसका मतलब भी मल्टीप्लाई है, तो ऐसे भी कर सकते हो आप, ब्रैकेट लगा सकते हो, ठीक है। 2 को जब इंटू करेंगे 5 से, तो हमारा 10 आएगा, 10 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा, ठीक है। अब RHS देख लेते हैं, दोनों सेम होते हैं या नहीं होते, ठीक है, तो हम RHS देख लेते हैं। RHS में हम करते हैं जल्दी से, देखिए, तो RHS में सिर्फ हमारा 7 है, तो मतलब हमारा ये करेक्ट है, हमारा आंसर ही 7 है। RHS में देखो, राइट हैंड साइड में है 7 है, इधर भी 7 ही हो गया, तो ये दोनों जो अगर सेम है तो हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल बढ़िया है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे माइनस में करके दिखाया, अगर ये प्लस में होता, ये प्लस में होता तो इधर जाके माइनस का हो जाता, जब माइनस का हो जाता तो ये 4 हो जाता, 4 तो इसका एक्स की वैल्यू 2 आ जाती, ठीक है। LHS मैंने बता दिया कैसे चेक करते हैं, इसको कैसे करते हैं, ठीक है। बहुत सारे सवाल हैं जो आप कर सकते हैं, इसकी एक्सरसाइज भी हम करना शुरू करेंगे धीरे धीरे। पहले एग्जाम्पल 1 से शुरू करते हैं हम एग्जाम्पल 1 से तो करेंगे, बट हम ट्रांसपोजिंग मेथड यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, क्यों, ट्रांसपोजिंग मेथड बहुत ही इजी है, आपको समझ आ गया हो कैसे करना है। तो हम कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं, 2y + 9 = 4, ठीक है। अब इसको मैंने बताया कैसे करना है, आप वीडियो पॉज करके खुद कीजिए, ठीक है, जी है ना, ये इक्वेशन इसको खुद सॉल्व कीजिए, फिर आपको पता चलेगा कैसे सॉल्व होती है, कि मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, बहुत ही ज़्यादा इजी है, बड़ी क्लासेस में भी ये आएगा आपके लिए, आप इसको जरूर करिए, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो करते हैं इसको सॉल्व, 2y है तो 2y को इधर ही रहने दो, = लगा लो इधर, 4 को बेचारे को 9 पहुँचा दो वहाँ पे, तो ये जो 9 है तो 4 हो गया। अब 4 ये प्लस का है 9, तो यहाँ पे जाके माइनस का हो जाएगा। जब छोटे में से बड़ा काटते हैं, बड़े का साइन कितना है, माइनस का है, 9 में से 4 गया, 9 में से 4 गया तो कितना बचा, 5 बचा, माइनस का बचा, क्योंकि 4 में से जब 9 जाएगा तो छोटे में से बड़ा जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, वो माइनस का हो गया, और 2y का, 2y माइनस का जो 5 है
वहां पे टू आ जाएगा और वाई का वाई अकेला रह जाएगा, टू वन जा टू, बट ये कटेगा नहीं क्योंकि आपको पता है कि टू के टेबल में फाइव नहीं आता है, ये तो कट जाएगा लेकिन ऊपर वाला नहीं कटेगा, ठीक है। अब ये आप नोटिस कीजिए, अब इसको चेक करने का मैंने जैसे बताया, आप यहाँ पे लिख लीजिए LHS लिख लीजिए, LHS लिखने के बाद जो लेफ्ट इज इक्वल टू के साइड लेफ्ट हैंड साइड जो लिखा है ना 2y प्लस 9, ये यहाँ पे लिख लीजिए 2y प्लस 9 लिख लीजिए, फिर 2y की जगह जो है ना माइनस 5 बटे 2, फिर प्लस करेंगे 9 से। अब इसको आप कर लीजिए, वीडियो पॉज करके खुद ही कीजिए आप, ठीक है, समझ आ गया होगा आपको इतना। अब हम दूसरे पे चलते हैं, आपको आपकी चेक करना है कि ये जो मैंने किया है ये सही है गलत है, ठीक है।